तो भाई देखो, ये तो हमको पता है कि अभी आईपीएल 2024 का फाइनल मैच होने में थोड़ा सा वक्त है, लेकिन भाई हमको ये भी पता है कि मेन फाइनल से पहले एक और फाइनल होना है 18 तारीख को आरसीबी और सीएसके के बीच। और हर कोई इस बात को एक्सेप्ट कर चुका है कि जितना बड़ा मुकाबला हमें इस आईपीएल सीजन के फाइनल मैच में देखने को नहीं मिलेगा, उससे भी बड़ा मुकाबला, उससे भी ज्यादा टेंशन देने वाला मुकाबला हमें 18 तारीख को देखने को मिलेगा चेन्नई और नन अदर देन आरसीबी के बीच। लेकिन भाई इस मुकाबले से पहले आरसीबी के लिए कल के दिन कुछ बहुत ही बुरी खबरें आई, जिसमें सबसे बड़ी बुरी खबर यह रही कि उनके दो मेन प्लेयर विल जैक्स और रीस टॉपली अपने वतन वापस लौट चुके हैं इंटरनेशनल ड्यूटी संभालने के लिए, क्योंकि भाई टी20 वर्ल्ड कप आने वाला है। सेम टाइम पे जॉस बटलर जो हैं वो भी राजस्थान को छोड़ के वापस लौट चुके हैं इंग्लैंड टी20 वर्ल्ड कप 2024 को मद्देनजर रखते हुए। तो देखो, आरसीबी को रीस टॉपली के जाने से तो कोई इतना नुकसान नहीं होगा, क्योंकि रीस टॉपली फिलहाल प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे, लेकिन भाई विल जैक्स जो हैं वो ठीक ठाक कॉन्ट्रीब्यूशन ही नहीं बल्कि अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे थे। मतलब ये साफ हो चुका है कि 18 तारीख को जो मैच खेला जाना है उस मैच में ग्लेन मैक्सवेल हमको वापस से आरसीबी के लिए खेलते देखने को मिलेंगे। और भाई देखो, भले ही ग्लेन मैक्सवेल इस सीजन में पूरे तरीके से फ्लॉप रहे हो आरसीबी के लिए, पर अगर उस मैच में चल गए ना तो भाई फैंस सब कुछ भूल जाएंगे, क्योंकि उस मैच की जो कीमत है भाई अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं आरसीबी के उससे कई गुना ज्यादा ही कीमत है। लेकिन भाई देखो, अगर तुम एक आरसीबी फैन हो तो तुमको बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भले ही विल जैक्स चले गए हैं उसके बावजूद भी ऑन पेपर ऑन फील्ड आरसीबी की टीम जो है वो चेन्नई से काफी स्ट्रांग है, क्योंकि चेन्नई के पास तो फिलहाल कुछ भी नहीं बचा है भाई। जैसे तैसे गिरते पड़ते वो लोग मैच जीत रहे हैं, उनके पास पथिराना नहीं है, मुस्तफिजुर रहमान नहीं है, दीपक चहर भी इंजर्ड हो रखे हैं, मतलब भाई बॉलिंग जो है पूरे तरीके से घुसी पड़ी है, और बैटिंग भी देखो ऐसी है कि बहुत बड़े बड़े हिटर्स नहीं है। जब तक उनके दुबे नहीं चलते हैं, गायकवाड़ लंबी पारी नहीं खेलते हैं, मिचेल ठीक ठाक कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं देते हैं, तब तक वो कुछ नहीं कर पाते हैं। और अगर ये लोग कॉन्ट्रीब्यूशन दे भी दें तो भाई ये लोग कोई बहुत बड़ा टारगेट ना ही सेट कर पाते हैं, ना ही बहुत बड़ा टारगेट यहाँ पे चेस कर पाते हैं। तो ऐसे में भाई ये कहने में कोई शक नहीं होना चाहिए कि अब भी जो आरसीबी की टीम है वो चेन्नई पे पूरे तरीके से भारी है। बस देखो, चेन्नई की सबसे बड़ी ताकत एक ही है कि उनके पास महेंद्र सिंह धोनी का दिमाग है। अगर इस टीम से धोनी का दिमाग निकाल दो ना तो मैं आज के आज कह देता कि 18 तारीख को आरसीबी जीतेगी, लेकिन भाई मुकाबला जो है वो टक्कर का तो होगा। खैर, आरसीबी और चेन्नई का मुकाबला कितना टक्कर का होगा ये तो हमें 18 तारीख को पता चली जाएगा। लेकिन भाई फिलहाल मुझको एक बहुत ही कमाल की बात पता चली है, जिसे सुन के तुमको भाई कसम से मजा आ जाएगा। मुझको ये पता चल चुका है कि टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद जब राहुल द्रविड को हेड कोच की पोजीशन से हटाया जाएगा तो अगला इंडिया का कोच कौन बनेगा, मेरे को भी पता चल चुका है, अब मैं तुम्हें भी बताता हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं तुमको वो बताऊं, मैं तुमको ये बता दूं कि भाई तुम बैठे-बैठे कर क्या रहे हो, सिर्फ आईपीएल के मैचेस देख रहे हो या फिर फैंटेसी टीम बना के पैसा छाप भी रहे हो। देखो, माना कि आईपीएल काफी हद तक बीत चुकी है और हो सकता है कि तुमने शुरुआती मैचेस में टीम बनाई हो, प्रेडिक्शन वगैरह करी हो, लेकिन भाई पैसा बनाना हो तो तुमने कहा हो नहीं यार ये सब नहीं करने का। तो भाई देखो, मैं बहुत ही सिंपल सी बात बताता हूं, कुछ नहीं करना है। मैं पहले भी कह चुका हूं, एक बार फिर से कह रहा हूं कि तुम्हारे लिए लेके आया हूं एक बहुत ही कमाल का टेलीग्राम चैनल जिसका नाम ही एक्सपर्ट प्रेडिक्शन, जहां पे कई सारे एक्सपर्ट्स बैठ के आपके लिए लाते हैं एकदम परफेक्ट एकदम एक्यूरेट प्रेडिक्शन। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस उन परफेक्ट प्रेडिक्शंस को उठाना है, उनका इस्तेमाल करके एक्यूरेट अपनी फैंटेसी टीम को एक बार बस बना के देखना है। उसके बाद तुम खुद कहोगे कि भाई अभी तक इस टेलीग्राम चैनल के बारे में क्यों नहीं बताया। तो भाई टाइम मत वेस्ट करो, बचे हुए मैचेस भले ही ज्यादा नहीं है लेकिन पैसा ज्यादा जरूर कमाया जा सकता है। जल्दी से जाओ एक्सपर्ट प्रेडिक्शन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, व्हाट्सएप नंबर तुमको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जाके डीएम कर सकते हो, एक बार एक मैच की प्रेडिक्शन मार के तो देखो, भले ही टीम मत बनाना, देखो तो कितनी परफेक्ट प्रेडिक्शन मिल रही है। उसके बाद तुम खुद कहोगे कि वाह भाई ये एक्सपर्ट्स लोग क्या प्रेडिक्शन देते हैं, बस उसके बाद छापने का। पर अब चलें अपनी मुद्दे की बात की तरफ। तो भाई जैसा मैंने कहा कि हाल ही में जो खबर आई थी ना कि टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद राहुल द्रविड़ को हेड कोच की पोजीशन से हटा दिया जाएगा, जय शाह ने क्लियर स्टेटमेंट दे दिया था कि भले ही राहुल द्रविड़ अपनी कोचिंग के अंडर इंडियन टीम को टी20 वर्ल्ड कप 2024 अगर जिता भी दें, उसके बावजूद भी राहुल द्रविड़ का जो एक्सटेंशन है वो ऑटोमेटिकली नहीं करा जाएगा। अगर राहुल द्रविड़ को वापस से कोच बनना है तो उनको रीअप्लाई करना पड़ेगा जैसे कि बाकी लोग करेंगे, और उस बेसिस पे डिसाइड होगा कि कौन बनेगा इंडिया का अगला हेड कोच। तो यहां पे जय शाह ने यह भी कहा था कि हम लोग जो है ये भी सोच रहे हैं कि क्या किसी फॉरेन कोच को ले आए, हम लोग पूरे तरीके से खुले
खुले हुए हैं, लेकिन भाई देखो अंदर ही अंदर से बात पता चली है कि वीवीएस लक्ष्मण जो है वो इंडिया के अगले हेड कोच बन सकते हैं, क्योंकि फिलहाल वो अंडर 19 टीम के कोच हैं। एनसीए वगैरह में जितना भी यंग टैलेंट आता है उनको फिलहाल कोचिंग देते हैं। आपने देखा होगा जब भी राहुल द्रविड़ भी मेन टीम के साथ ट्रेवल नहीं करते थे तो लक्ष्मण को ही कोच बना के भेजा जाता था। तो चांसेस सबसे ज्यादा कही जा रही हैं कि वीवीएस लक्ष्मण की हैं। लेकिन अगर जनता से पूछें कि जनता यहां पे किसको इंडिया का अगला हेड कोच देखना चाहती है, तो पता है सबसे ज्यादा वोट किसको मिल रहे हैं? उस प्लेयर का नाम है नन अदर देन जीजी यानी गौतम गंभीर। लेकिन मसला जो है ना यहां पे छोटा सा भाई वो ये है कि गौतम गंभीर का थोड़ा सा लंबा कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है केकेआर से, एक साल का नहीं है, कम से कम 2-3 साल का है। तो तब तक तो गौतम गंभीर केकेआर को छोड़ के इंडिया के हेड कोच नहीं बन सकते हैं। लेकिन भाई एक खुशी की बात यह है कि अगर केकेआर मान जाती है गौतम गंभीर को रिलीव करने के लिए और गौतम गंभीर रेडी होते हैं इंडिया के हेड कोच बनने के लिए, तो ऐसे में गौतम गंभीर हमको इंडिया के हेड कोच बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। मैं बता दूं कि गौतम गंभीर के अलावा आशीष नेहरा के नाम के ऊपर विचार किया जा रहा है, लेकिन वंस अगेन उनका भी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो गया था आईपीएल 2024 से पहले। ऐसे में वही केस हो जाएगा कि क्या गुजरात टाइटंस का जो मैनेजमेंट है वो नेहरा को रिलीव करेगा और क्या नेहरा इंडिया के हेड कोच बनना चाहेंगे। अगर भाई उनका मैनेजमेंट रिलीव कर देता है तो हो सकता है कि मे बी हमको आशीष नेहरा भी इंडिया के अगले हेड कोच बनते हुए देखने को मिल जाए। यहाँ पे देखो भाई मैं ये भी क्लियर कर दूं कि हाल ही में जय शाह ने ये जो मीडिया इंटरेक्शन किया था बीसीसीआई ऑफिस में, वहां पे उन्होंने एक और बात रिवील करी थी कि अगला हेड कोच जो भी चुना जाएगा वो ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 तक रहेगा, चाहे कुछ भी हो कैसा भी हो वो बंदा 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप तक कोच रहेगा ही रहेगा। मतलब भाई 2025 जो चैंपियंस ट्रॉफी आनी है वहां भी हमें सेम कोच देखने को मिलेगा, बीच में अगर कोई टी20 वर्ल्ड कप आया तो वहां भी हमें सेम कोच देखने को मिलेगा, और उसके बाद जैसा मैंने कहा 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप में भी हमें वही कोच देखने को मिलेगा। वैसे अगर आपके हाथ में डिसीजन होता तो आप किसे इंडिया का हेड कोच बनाते, जैसा मैंने आपसे पूछा, जो भी आपका जवाब है ना भाई एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो। वैसे भाई जहां इतनी बातें चल रही हैं कि कौन होगा हेड कोच और जहां हम ये कह रहे हैं कि गंभीर और नेहरा भी बन सकते हैं अगर उनका मैनेजमेंट मान जाए, तो बात जब मैनेजमेंट की निकली आई है तो भाई मैं तुमको बताना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले जो हमें कॉन्ट्रोवर्सी देखने को नहीं मिली थी लखनऊ के मैच में, जहां लखनऊ के जो ओनर हैं वो केएल राहुल को काफी ज्यादा सुनाते हुए नजर आ रहे थे, काफी गरियाते हुए नजर आ रहे थे, तो भाई हाल ही में स्पोर्ट्स कीड़ा नाम के पोर्टल से इंटरेक्ट करते हुए गौतम गंभीर ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि भाई लखनऊ के ओनर की ना सुलग गई होगी। देखो मैं बता दूं गौतम गंभीर इससे पहले लखनऊ के मेंटर थे, आपको पता ही होगा, मतलब उनके भी ओनर कहीं ना कहीं वही थे जो कि फिलहाल केएल राहुल के ओनर हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि स्पोर्ट्स कीड़ा से इंटरेक्ट करते हुए गौतम गंभीर ने कहा कि शाहरुख खान से बेस्ट ओनर उन्होंने आज तक आईपीएल में कभी नहीं देखा। और भाई देखो इस बात से ना कहीं ऑलमोस्ट हर इंसान एग्री करेगा कि सच में शाहरुख खान से बेहतरीन ओनर शायद ही किसी के पास होगा। मैं किसी को यहां पे डिमीन नहीं करना चाहता हूं, डिफेम नहीं करना चाहता हूं, डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता हूं, पर भाई शाहरुख खान ने ना इतने एग्जांपल सेट करे हैं ये साबित करने के लिए कि उनसे बेहतरीन ओनर कोई नहीं है। जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि इवन इस आईपीएल सीजन में भी जब भी भाई केकेआर कोई मैच हारती थी, क्योंकि भाई केकेआर कुछ मैचेस ऐसे हारी है जहां वो 100% जीती रही थी, आपको याद होगा जॉस बटलर ने सेंचुरी मार के आखिरी छड़ों में केकेआर से मैच छीन लिया था, आपको याद होगा कि केकेआर के खिलाफ ही 262 रन का टारगेट चेस हो गया था। लेकिन ये जितने भी मैचेस थे इन मैचेस के खत्म होने के बाद शाहरुख खान का रिएक्शन देखा, वो जब ड्रेसिंग रूम में भी जाके अपनी पूरी टीम से इंटरेक्ट करते थे तो आपने नोटिस करा होगा कि बंदा क्रिकेट का कोई ज्ञान नहीं देता था और हर बार यही कहता था कि हम बढ़िया खेल रहे हैं, हार जीत तो लगी रहती है, खुश रहिए, खुश होना सीखिए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गेम को एंजॉय करिए, कभी भी जबरदस्ती क्रिकेट का ज्ञान नहीं देते थे। और यही सेम बात गौतम गंभीर लाखों बार कह चुके हैं कि जब वो पहली बार भी केकेआर के कैप्टन बने थे ना, फिलहाल तो मेंटर है लेकिन जब वो कैप्टन बने थे उस वक्त पे भी शाहरुख खान ने उनसे बहुत ही सिंपल सी बात कही थी कि देखो भाई मैं तुमको क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर कोई क्रिकेटर आके मुझको एक्टिंग का ज्ञान देगा तो मुझे कितना बुरा लगेगा, तो मैं एक एक्टर होके अगर तुमको ये बताऊंगा कि तुम्हें क्रिकेट में क्या करना है तो मेरे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। और भाई देखो इतनी सी बात बहुत से ओनर नहीं समझते हैं, हाल ही में तो हमने देखा है कि कुछ ओनर किस
तरीके से मूर्खता करते हुए क्या क्या हरकतें कर रहे थे, मेरा इशारा आप समझ गए होंगे। तो भाई इस बात के लिए मैं शाहरुख खान की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। आपने इवन ये भी नोटिस करा होगा कि जो मैंने अभी मैचेस की बात करी ना, जहाँ केकेआर एकदम अंतिम छड़ों में हार गई, विपक्षी टीम का कोई प्लेयर अंतिम छड़ों में मैच खींच के ले गया, तो ऐसे में भी जो शाहरुख खान होते थे वो मैच खत्म होने के बाद विपक्षी टीम के उस प्लेयर को जाके कॉन्ग्रेचुलेट करते थे जिसकी इनिंग की वजह से उनकी खुद की टीम हारी है। लेकिन भाई वो क्या कर रहे थे लखनऊ के ओनर, मतलब भाई हद हो गई थी। तो फिलहाल भाई बस मैं ये बताना चाह रहा था कि जो जवाब असल में उस वक्त पे केएल राहुल अपने ओनर को नहीं दे पाए, वो जवाब गौतम गंभीर ने केकेआर में रह के दे दिया। क्योंकि जब उन्होंने ये कहा ना कि भाई सबसे बेस्ट ओनर जिसके साथ मैंने काम किया है वो केकेआर के ओनर शाहरुख खान है, मतलब आसान भाषा में उन्होंने ये भी कह दिया कि उनको लखनऊ के ओनर कुछ खास पसंद नहीं थे। वैसे जो भी ये वीडियो देख रहा है, क्या आप भी गौतम गंभीर की इस बात से एग्री करते हैं? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी भाई तुमको पता है जब से गौतम गंभीर ने ये स्टेटमेंट दिया है ना, तब से लखनऊ के मैनेजमेंट की इतनी जल रही है, इतनी सुलग रही है कि कल के दिन लखनऊ के असिस्टेंट कोच को ये कंफर्म करना पड़ा स्पोर्ट स्टार से बात करते हुए कि लखनऊ में कैप्टेंसी चेंजेस को लेके कोई भी बातें नहीं चल रही हैं, केएल राहुल ही रहेंगे कैप्टन अगले, कोई और कैप्टन यहां पे नहीं होने वाला है। कुछ दिन पहले एलएसजी के ही स्पोक्समैन ने भी कंफर्म करा था न्यूज़24 स्पोर्ट से बात करते हुए कि कैप्टेंसी चेंज को लेके कोई भी बात नहीं चल रही है। क्योंकि भाई जब से वो वीडियो सामने आई थी ना कि जहां लखनऊ के कोच गरिया रहे थे केएल राहुल को, तब से भाई चारों तरफ लोग यही कह रहे थे कि केएल राहुल को ये डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं सहनी चाहिए और रिजाइन कर देना चाहिए लखनऊ की कैप्टेंसी से। खैर जैसा मैंने आपसे पूछा कि आप लोगों का इस पूरे ही सिनेरियो पे क्या टेक है, जो भी आपका जवाब है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके हिसाब से मतलब कौन सी टीम का ओनर आपको सबसे बेस्ट लगता है? देखो पंजाब की भी जो ओनर है प्रीति जिंटा, उनका नेचर भी काफी सही लगता है, बेकार की कोई भसड़ नहीं करती है, जबकि भाई इतने मैचेस हारती हैं फिर भी मुस्कुराती रहती हैं और दूसरी टीमों से भी जाके बात करती हैं, कोई बेकार की भसड़ नहीं। मतलब मेरे हिसाब से शाहरुख खान और प्रीति जिंटा बेस्ट ओनर हैं, चाहे भाई टीम मेरी कोई भी फेवरेट हो लेकिन ओनर्स तो यही फेवरेट हैं। तो बस आपके भी जो फेवरेट ओनर्स हों उनका नाम कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। लेकिन याद से भाई डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट से एक्सपर्ट प्रेडिक्शन के टेलीग्राम चैनल को चेकआउट करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं, फिर से कह रहा हूं कि जो बचे हुए मैचेस हैं आईपीएल के, इसमें भाई अगर भर भर के पैसा कमाना है तो एक्सपर्ट प्रेडिक्शन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। और भाई टेलीग्राम चैनल तो फ्री में ज्वाइन कर सकते हो, जाके एक बार ज्वाइन तो करो, देखो तो भाई कि क्या बवाल हो रहा है, वरना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया सीधे जाके डीएम करने का और मस्त भाई प्रेडिक्शन उठा के पैसा ही पैसा छापने का। टाइम मत वेस्ट करो, जल्दी जाओ और भाई उस सवाल का जवाब भी दे देना कि तुम्हारे हिसाब से कौन होना चाहिए इंडिया का अगला हेड कोच। अगर तुम्हारे हाथ में डिसीजन लेना होता कि तुम भाई किसी प्लेयर का नाम बता दोगे, किसी बंदे का नाम बता दोगे तो वही बनेगा हेड कोच इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, तो तुम आखिर किसे बनाते इंडिया का हेड कोच, जवाब अपना कमेंट सेक्शन में लिख देना। वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।